हूं आपके साथ दीपक पटौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार अंतर्गत टेप कांड के आरोपी फिरोज सिद्दीकी को पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया। यहां कोर्ट फिरोज को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और फिरोज की जमानत याचिका पर अब 5 अगस्त को बहस होगी। इससे पहले फिरोज सिद्दीकी की कोर्ट में तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे कोर्ट की चौकी लाया गया। इस पर फिरोज सिद्दीकी ने मीडिया के सामने बयान दिया कि मुझे जान से मारने की साजिश रची जा रही है। फिरोज ने कहा कि मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है, जबकि 48 घंटे में मुझसे कई बार पूछताछ की गई है। और अधिक जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत, जिस तरीके से देखा जाए कोर्ट ने अब 3 दिन की पुलिस रिमांड पर दोबारा सब भेज दिया है, 2 दिन की रिमांड पूरी हुई थी। क्या कुछ पुलिस अब तक उगलवा पाई है और क्या कुछ आज साक्ष्य रखे गए कोर्ट में? देखिए दीपक, 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज शाम 4 बजे फिरोज सिद्दीकी को कोर्ट में पेश करना था और तय समय के मुताबिक सिविल लाइन पुलिस ने उनको पेश भी किया। उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें वहां पर दी गई। पुलिस ने उस दौरान 3 दिन की और रिमांड मांगी। उसके बाद काफी जोरदार बहस हुई। उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके 1.5 घंटे बाद फैसला आया कि जो फिरोज सिद्दीकी है उसको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर और सौंपा जाता है, यानी 5 अगस्त तक न्यायालयीन समय तक वो पुलिस की रिमांड पर रहेंगे। अगर 2 दिनों की मैं बात करूं तो पिछले 48 घंटों के दौरान वो पुलिस रिमांड पर रहे, लेकिन उन्होंने कुछ खास खुलासे पुलिस के द्वारा पूछताछ में नहीं किए हैं। पुलिस ने काफी कोशिश की, क्योंकि इसमें बहुत सारे शहीदी वहाँ से उनके बंगले से जब्त हुए थे। पुलिस ने कोशिश की थी कि कोई ना कोई खुलासे हो, लेकिन जो फिरोज सिद्दीकी है उन्होंने किसी तरीके से खुलासा इसमें नहीं किया है। आज की अगर सुनवाई की मैं बात करूं तो आज ये पुलिस सिविल एंड पुलिस ने रिमांड मांगने का ये आधार ये बनाया था कि जो पेनड्राइव में जो स्क्रिप्ट बनाई गई उस स्क्रिप्ट तैयार करना, इसके अलावा दिल्ली से कुछ सबूत मिले हैं उस सबूत का भी विवेचना में लिया गया है, इसलिए पुलिस ने मान दी जाए। तो पुलिस उनकी दलील को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पुलिस ने मान दी है। हालांकि फिरोज सिद्दीकी की बात की जाए तो फिरोज सिद्दीकी ने एक आवेदन कोर्ट में लगाया है कि पुलिस लगातार उनकी उसको मानसिक प्रताड़ित कर रही है, जबरन फंसाया जा रहा है, जबकि फिरोज सिद्दीकी की तबीयत खराब है उसके बावजूद उन्हें रिमांड पर लेके ये सब कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है दीपक, जो अंतर्गत टेप कांड का पूरा मामला है उसमें सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए जो पूरी कार्रवाई है फिरोज सिद्दीकी के खिलाफ की जा रही है, ऐसा फिरोज सिद्दीकी ने कहना था। जी चलिए, तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत।